हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है थायराइड ग्रंथि। तो ऐसे जो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, ये कहाँ पाई जाती है आप देख लीजिए। ये बनी है आपकी थायराइड ग्रंथि, ये जो हम लोग जो गला होता है, गले में जब खाना खाते हैं, ये नली जो आप देख रहे हैं जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है, ये चारों ओर से देखो इसके ट्रैकिया के चारों ओर लिपटी हुई है। तो ये आपका क्या है, ये थायराइड ग्रंथि है। तो महिलाओं में ये फूल जाती है, नमक की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो ये आपका दायां थायराइड ग्रंथि है, और ये आप इस साइड देख रहे हैं, ये आपका क्या बायां थायराइड ग्रंथि है, ये स्वर है, यहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अंदर जो जाएगी गले से, फिर पेट में, स्टोमक में जाएगी, जो नली होती, आहार नाल होती, इस प्रकार से ये क्या बना, थायराइड ग्रंथि का डायग्राम बना, आपको ये बनाना है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। यह अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्राव एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यही होती है थायराइड ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स जो ट्रैकिया की दोनों ओर होती है। ट्रैकिया कहाँ पे लिखा, तो ट्रैकिया ये लिखा, इसके चारों ओर ये पाई जाती है, ठीक है। तो इसका वजन होता है 15 से 20 ग्राम हो सकता है। इस ग्रंथि के हार्मोन का स्राव जो होता है वो TSH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टी से मतलब होता है थायरॉयड, एस से होता है स्टिमुलेटिंग, और एच से होता है हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस ग्रंथि को किससे किया जाएगा, TSH से कंट्रोल किया जाता है। जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, जो पीयूष ग्रंथि की जो आगे वाला भाग होता है, पूर्ववर्ती पर लिखा एंटीरियर लोब, मतलब होता है आगे की ओर, के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि के दो प्रमुख हार्मोन्स होते हैं, कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका थायरोक्सिन, इसको बोल दिया बोलते हैं T3, जो T3 का नाम होता है ट्राई आइडोथायरोक्सिन या T4। इस प्रकार से ये दो प्रमुख क्या है, हार्मोन्स होते हैं। ये दोनों हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं को बढ़ाते हैं, मतलब उपापचयी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको बढ़ाते हैं। अन्य हार्मोन कैसिटोनिन का स्राव करती हैं, जो कैल्शियम उपापचय में सहायक होता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। जो अगर ब्लड में आपके कैल्शियम अगर ज़्यादा होगा, तो यह जो आपकी जो ग्रंथि है, ग्लैंड्स, वो कम कर देगा मात्रा को। तो थायरोक्सिन हार्मोन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और सक्रियता को भी बढ़ाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा बनेगी, मतलब ATP बनेगी। इस प्रकार से ये जो उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। थैंक यू, धन्यवाद।